नमस्कार, आज मैं आपके सामने उड़द दाल डुबकी बनाने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमें करीब 100 ग्राम उड़द की बिना छिलके की दाल चाहिए, जो हमने 4 घंटे पानी में भिगोकर रखी थी। 2 चम्मच सरसों का तेल, 2 प्याज, 8 से 10 लहसुन के टुकड़े, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक। सबसे पहले हम प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेंगे और इस भीगी हुई दाल को बिना पानी के थोड़ा मोटा पीसेंगे। ये देखिए, इस दाल को बिना पानी के पीसा है, ये मोटी और गाढ़ी पीसी है। इसी तरह प्याज का भी पेस्ट तैयार हो गया है। सबसे पहले हम लहसुन प्याज के पेस्ट में पाउडर मसाले मिला लेंगे, जिनमें है हल्दी, लाल मिर्च, ये आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक। करीब 1/4 चम्मच नमक हम दाल में भी मिलाएंगे। अभी जीरा और हींग ऐसे ही रखेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और तेल के गर्म होने पे जीरा और हींग को उसमें डाल देंगे। जीरा के ब्राउन हो जाने पर हमारे पास जो प्याज और मसालों का पेस्ट है वो भी कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से उसे भून लेंगे। हमारा मसाला भूनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम करीब 3 ग्लास पानी ऐड करेंगे। और मसालों के साथ उसे अच्छी तरह से मिलाकर उबलने के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम हम तेज पर ही रखेंगे। हमारे पास जो दाल थी उसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। एक बाउल पानी में थोड़ी सी दाल को डालकर देखेंगे, अगर ये दाल ऊपर सतह पे आ जाती है तो ये दाल पकौड़े बनाने के लिए तैयार है। पानी भी उबल रहा है। अब इसी कढ़ाई में हम गैस का फ्लेम तेज रखेंगे और इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ दाल की डालते जाएंगे। दाल जितनी गाढ़ी होगी पकौड़ी उतनी ही अच्छी बनेगी। और ये पकौड़ियाँ पानी में जाते ही ऊपर आने लगती हैं। इसी तरह से हम सारी पकौड़ियाँ डाल लेंगे। पकौड़ियों का साइज छोटा ही रखेंगे, ये पक कर थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। गैस का फ्लेम अब मीडियम पे रख लेंगे। 10 से 12 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। इसे एक चम्मच से काट कर देखेंगे, अगर ये पकौड़ियाँ आसानी से कट रही हैं तो ये अंदर तक पक गई हैं। डुबकी तैयार है। उड़द दाल डुबकी में बहुत ढेर सारा प्रोटीन होता है, इसे हम रोटी और राइस दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।